सेवानिवृत्त होमगार्ड के जवान को सम्मानित करके दी गई विदाई थाना परिसर में किया गया सम्मानित। अतरौलिया क्षेत्र के गदनपुर निवासी नौमी यादव पुत्र स्वर्गीय रामपत यादव 1984 में होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन किए। तब से लेकर आज तक जनपद के कई स्थान पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देते हुए सोमवार को वो सेवानिवृत्त हो गए। इस दौरान अतरौलिया थाना परिसर में थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष ने अपने बगल की कुर्सी पर बैठाकर उन्हें सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें अंग वस्त्र देकर भी सम्मान किया गया। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए नवमी यादव का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। उन्होंने कहा, आज उनका सम्मान करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। इनके सराहनीय कार्य की प्रशंसा हमेशा की जाएगी। पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने थाने पर सहयोग करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। इस दौरान उपस्थित होमगार्ड के जवानों ने भी उनका माल्यार्पण करके भव्य रूप से स्वागत और अभिनंदन किया। विदाई समारोह के दौरान नम आंखों से नौमी यादव ने कहा कि 1984 से यहां रहकर मुझे जो सम्मान मिला उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमेशा से लोगों का साथ रहा और पुलिस प्रशासन का प्यार उन्हें लगातार मिलता रहा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने कहा, आज दुख इस बात का है कि अपने साथियों से हमें दूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल रविशंकर भारती, कांस्टेबल सीताराम, कांस्टेबल सोनू कुमार, बीओ भीम सिंह, प्लाटून कमांडर ब्रजेश पाठक, पीठू राम, विजय यादव, सुभाष निषाद, राजेश वर्मा, श्रवण कुमार, अमित कुमार यादव आदि मौजूद रहे।